हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला खुशियाजा से। आज हनुमान जयंती है और मैंने आज हनुमान जयंती पे आपको कुछ बताया नहीं। अभी फिलहाल तो मैं भी पूजा करके उठी हूँ और बजरंग बली से इजाज़त लेके ही ये काम आपको बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही कारगर है। अगर आज के दिन आपने ये काम कर दिया ना, तो आज इवन आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी, आपके घर से बीमारी दूर होगी, अला बला दूर होगी और सारे काम बहुत निर्विघ्न तरीके से पूरे होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हनुमान जी की पूजा करने से, कहते हैं इस कलयुग में अगर कोई साक्षात देवता है, जो कहते हैं ना अमर और अजर हैं, वो सिर्फ बजरंग बली जी हैं। और उन्हें राम कहते हैं ना, अगर उनके सामने कोई राम जी की पूजा करे या कहीं राम जी का पाठ चालू है या कोई जय श्री राम बोल रहा है या तुलसी की क्यारी की माँ लक्ष्मी की पूजा चालू है, वहाँ पे हनुमान जी साक्षात्कार कोई ना कोई रूप में आके प्रसाद बढ़ता है या कुछ करता है तो ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारी महिला मंडल हमारे मैक्सेस मॉल के पास गोराई में लड्डू बांट रही है। कहते हैं भगवान को बूंदी का लड्डू बहुत पसंद है, तो बूंदी का लड्डू बांट रहे हैं और भगवान से बस यही गिनती करते हैं कि कौन गरीब जो याद कौन सुख संकट मोरे गरीब को जो नहीं तो चाहते हैं तुमसे टारो। मतलब देखिए, मुझे इतनी दोहा बोलने आती नहीं है, बीच में फोन आ गया था, ऐसे डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। कहते हैं भगवान को कि ऐसा कौन सा संकट है जो आपसे टारा नहीं जा सकता। तो हे हनुमान जी, इस कलयुग की संसार में एक आप ही देवता है जो हमारे सारे संकट टाल सकते हो। तो आज के दिन आपे करना इतना छोटा सा काम है कि मैं जो ताले का काम बताती हूँ, तो ताले तो करते ही हैं, ताले एक ऐसा होता है जो नसीब खोलने का काम करता है। तो आपको आज ये करना है कि आपसे जितना हो सके, आज कम से कम अगर हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कोई भी हनुमान जी का मंत्र जो भी आपको आता हो, 108, 1008 या 11000 आप जप कीजिए साथ में। तब तक कुछ बोलिए मत और जय श्री राम बोल के, कहते हैं ना अनुसूत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र की जय, ऐसे करके आपको सिर्फ यही करना है कि 11 बार हनुमान जी का पाठ कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए और 108 हो सके या फिर 11000 हो सके या 1008 हो सके, आप हनुमान जी का जाप करके, मैं तो देखिए वो बागेश्वर महाराज का जो जाप है वो मुझे बहुत कारगर सिद्ध होता है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूँ फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूँ फट स्वाहा, ये वाला मंत्र बहुत इजी भी है। और कहते हैं कि सिर्फ अगर हम बहुत ज़्यादा संकट में हो और इस मंत्र को सिर्फ 108 बार भी जप करें तो हमारा काम हो जाता है। तो इसका जप कीजिए और जप करने के बाद एक ताले पे आप दम कीजिए और अपने मन की बात बोलिए और मन की बात बोल के चाबी सहित उस ताले को बंद करके चाबी सहित उस ताले को हनुमान जी के किसी भी मंदिर पे रख के सिंदूर चढ़ा दीजिए। साथ में आपको जब लगे तो जो भी इत्र चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और साथ में भगवान को सवा पाओ, सवा किलो जो भी हो बूंदी का प्रसाद रखिए। आज के दिन करना है, सिर्फ आप हर शनिवार को कर सकते हैं। और साथ में गन्ने का रस, आज गुरुवार भी है, माँ बृहस्पतिवार का दिन भी है, माँ लक्ष्मी का दिन भी है और भगवान को कहते हैं ओम नमः शिवाय हरि का जप बहुत प्यारा है। ओम नमः शिवाय हरि में एक दो शब्दों का मेल है, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं, क्यों शिव जी हरि की पूजा करते हैं और हरि शिव की पूजा करते हैं। तो इन दोनों का मेल ही ऐसा है कि अगर हमने इनकी भी पूजा कर दी और इन्हीं के मिलन से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, ये सबको पता होगा। तो ये चीज़ों को करके अगर आप गन्ने के रस में 7 बार आपका नाम और गोत्र, जो आपका गोत्र है, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल के अगर कोई भी तुलसी की क्यारी पे, वो तुलसी के पौधे पे अगर आप ये गन्ने का रस चढ़ा देते हैं, आप देख लीजिएगा आने वाली ज़िंदगी में आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, बजरंग बली का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और सारे काम आपके निगमित तरीके से पूरे होंगे। क्या है, अभी मैं गाड़ी में चल रही तो उस तरह से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैं और भी सब वीडियो बनाते बनाते ये चीज़ भूल गई थी कि आज हनुमान जयंती है, इससे अच्छा उपाय मैं क्या बताऊँ। और मैंने आज अभी मैंने खुद 11000 जाप किया है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद उनसे इजाज़त लेके मैंने ये आपको तरीका बताया और उन्हें मैंने कहा है कि ये तरीका जो भी आज मेरा यूट्यूब देख के जो भी ये तरीका करे, उसकी हर विश पूरी करना, उसकी हर मनोकामना पूरी करना, उसके हर संकट को कटाना। मतलब ऐसा कौन सा संकट है भगवान जो आपसे नहीं टारा जाता। और आज हमारे यहाँ जो 11 किलो का प्रसाद बट रहा है श्री हनुमान जी को, मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरे मन में कोई भी वो नहीं, मैं सच्चे मन से एक तो अपने बच्चे के लिए और ख़ास करके हमारे उद्धव भाई के लिए उनके नाम से कम उन पे से ये संकट टारो करके 11 किलो प्रसाद करवाया है। कहते हैं ना गुप्त
गोदान महादान, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन ये सब तो कर ही सकते हैं। तो बस भगवान उनकी जीत करे और ये जो सब चल रहा है ना, इतना ही बोलूँगी, बजरंग बली, बागेश्वर धाम जी, ये सब कुछ शांत कर दीजिए। ये सब कुछ शांत हो गया, हमारे उद्धव जी की जीत हो जाएगी ना, उसके बाद विद्यादेवी पूरी यूट्यूब पे कह रही हूँ, बागेश्वर धाम जाके 1008 चालीसा का पाठ करवाऊँगी, सुंदरकांड का पाठ करवाऊँगी और वहाँ जाके लोगों को प्रसाद करवाऊँगी। ये मेरा वादा है और ये मेरा वचन है बस। और बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और आज जो ये तरीका बताया है हनुमान जयंती के दिन, ये ज़रूर करिए। जय माता दी।